ऐसी कोई बदबू तो नहीं आ रही है? देखो अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो उतार दो इसे। नहीं नहीं, चुन्नी चढ़ने के बाद उतारना मतलब उसे हम अपशकुन मानते हैं। इट्स ओके पंडित जी, चलिए ना आप पूजा शुरू कीजिए। जी बहन जी, हाँ ये बैठिए। नहीं माता जी, जब तक ये सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगी। इट्स ओके, मैं यहाँ ठीक हूँ। आप हवन को अग्नि दीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, कलश कहाँ है बेटे? जब तक कलश नहीं आता तब तक ये हवन नहीं हो सकता। कलश लेके आ। वो उस कमरे में या एक्चुअली वो गेस्ट बेडरूम में है। बेटा तुम यही बैठे रहो, मैं लेकर आती हूँ। बहन जी, वो कलश लड़की के घर से आया है, लड़की का भाई राघव भी उसे ला सकता है। जा पुत्र, जल्दी से ले आ। एक काम करते सुधा, चुन्नी हम ठीक से लगा देते हैं जिससे ये बदबू ना आए। चुन्नी हमने बिल्कुल ठीक हो रही है, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। दीदी, आप यहाँ कैसे? दीदी प्लीज आके खुलिए, आप ठीक तो हैं? दीदी, सीमा दीदी मैं हूँ। दीदी आप यहाँ क्या 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 कर रही हैं? अगर आपको किसी ने यहाँ देख लिया तो आप जानती हैं ना कितना डेंजरस है। दीदी मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला, मैंने पुलिस को बता दिया कि वीर को मैंने मारा तो केस बंद हो जाएगा, पुलिस किसी और को नहीं ढूंढेगी, तो प्लीज प्लीज आप मेरी बात मानिए, चली जाइए यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है राघव, मैं पूरा इल्जाम तुम्हें अपने सर पर ले रही दूंगी? और आपको क्या लगता है कि मैं आपको ऐसे अकेले तकलीफ में छोड़ दूंगा? दीदी प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए, आप यहाँ से चले जाइए, पहले ही आपने बहुत तकलीफ सही है मेरी वजह से और उसकी वजह से, और इतनी तकलीफ कम नहीं थी कि भगवान ने आपसे आपकी बेटी छीन ली, और उसी बदले की आग में मैंने मेरे वीर को मार डाला। आपने जो किया वो एक माँ का इंसाफ था, और जो मैं कर रहा हूँ वो एक भाई का जिम्मा है, सो प्लीज मैं आपके आगे हाथ छोड़ता हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज दीदी प्लीज मेरी बात मानिए प्लीज। दीदी आपने मुझसे वादा किया था कि आप यहाँ से चले जाना, फिर आप यहाँ कैसे? आपने नैना को वो सारे सबूत क्यों दे दिए? आप क्यों ऐसा कर रही हैं दीदी? प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। दीदी दीदी राघव, फिर पर गोली मैंने चलाई, मैंने मार डाला उसे। पंडित जी, राघव बस कलश लाता ही होगा, आप हवन तो आरंभ कीजिए। देखिए ना, गर्मी की वजह से नैना कितनी परेशान है, एक बार ये रस्म शुरू हो जाती तो। इट्स फाइन, मैं ठीक हूँ, राघव बस आता ही होगा। कोई बात नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। पंडित जी तब तक आप सामग्री तो डाल सकते हैं ना? नहीं माँ, मैं देख के आता हूँ। दीदी प्लीज
प्लीज मेरी बात सुनिए, ये सच आप किसी को नहीं बताएंगे कि वीर को आपने मारा है। पूरा मेरा कांधा नीचे है, अगर आपको किसी ने यहाँ देख लिया या हमारी बातें सुनी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी बीवी नैना को वैसे भी शक है कि मैंने वीर को नहीं मारा है, किसी और ने मारा है और मैंने इल्जाम अपने सर ले लिया है। प्लीज दीदी ड्यूटी यहाँ से चलिए। दी मैं नहीं जानता कि आप यहाँ कैसे हैं, लेकिन अब यहाँ आप एक मिनट भी नहीं रह सकती। चलिए जितने लोग है ना सब हमारे खिलाफ है। नैना और राघव ने हमें हमारे घर में पराया कर रखा है, की जो सासू माँ है वो भी हमें पराया कर रही है। एटीट्यूड देखा उनका, बार बार बार। मुझे चुप मत कराइए सुधा भाभी प्लीज, कि हरजीत खुराना अपने आप को समझती क्या है? हाँ अरे क्या भी रही होगी, अपने घर की होगी ना, एक फूटी कौड़ी तो उसकी है नहीं, पर एटीट्यूड देखो उसका, सब कुछ रेहान का है, सबको पता है, लेकिन नहीं उनको देखो। फिर भी मैं इतना होने के बाद मैं अपनी बेटी उन्हें दे रही हूँ, अगर देखो उनकी रॉब देखो, क्या ये क्या, मेरा तो जी चाहता है कि मैं क्या चाहता है। तुम्हारा जी क्या चाहता है? मेरा जी चाहता है कि मैं इस घर में रहूं। कितना खूबसूरत घर है आपका, आपके साथ ना सुधा भाभी। ओ एक्सक्यूज मी, मैं राघव को चेक करके आती हूँ, हवन का टाइम हो रहा है तो एक्सक्यूज मी। कहीं किसी को शक तो नहीं हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है हरजीत जी, अगर ये प्लान फेल हो गया तो। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा सीरियसली। हर पल वो नैना और राघव सांस ले रहे हैं वो मेरे लिए जहर की तरह है। आप इस मकाम पर पहुंचने के बाद मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी और ना ही उस राघव को मुड़े दूंगी। आप मर गया हो, कहीं उसे शक तो नहीं हो गया क्या आज हम नैना के साथ? तुमने तो सुना होगा सुधा, सब्र का फल मीठा होता है, सब कुछ समय के अनुसार ही चल रहा है। देखो ना कुदरत हम पर कितनी मेहरबान है, कितना बढ़िया मौका दिया है हमें। खड़ी शुभ है, इरादे बुलंद है और कुंडली में है नैना कांत। इन सब के सामने सब्र का क्या मोल, बहुत छोटी सी बात है सब्र। अब हम देखेंगे कैसे राघव अपनी आंखों से अपनी पत्नी और अपने बच्चे के सपनों को रॉक होते देखेगा। और तो और राघव खुद अपनी पत्नी नैना की मौत का कारण बनेगा। चलिए उठिए, उठिए दीप। ओह गॉड, क्या करूं मैं, दीदी को यहां अकेला नहीं छोड़ सकता। राघव, अरे कहाँ हो भाई? अरे राघव तुम यहाँ हो, पूरे घर में ढूंढ लिया यार, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे वो मैं कमरा ही नहीं मिल रहा था, बस अभी जस्ट एंटर किया और तुम्हारी आवाज आई। अच्छा ठीक है, वो कलश ले लिया? कलश? हाँ कलश ही तो लेने आया था मैं, वो ही ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है? वो रहा वो। हाँ ठीक है चलो। हाँ चलो चलो। अच्छा रेहन, वो ये औरत कौन है, तुम्हारी कोई रिश्तेदार है? नहीं यार, मेरी रिश्तेदार नहीं है, इनफैक्ट मैं इन्हें जानता भी नहीं हूँ। आज मुझे मंदिर में मिली जहाँ पर मैं अपनी बीवी की आत्मा की शांति की पूजा करवाने के लिए गया था। बहुत ही दुखी थी बेचारी, अपनी बेटी खोई है इन्होंने। शी वॉज वेरी अपसेट।
भी सुन के इमोशनल हो गए ना। आई नो, ये बहुत ही दुख की बात है। एक्चुअली मुझसे बात करते करते अचानक बेहोश हो गई, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, इसीलिए ने घर ले आया। ऐसे अकेले मंदिर में नहीं छोड़ सकता था ना, मुझे लगा कि यहाँ पर इनका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। सीरियसली रेहन, यू आर अ गुड मैन, तुम एक बहुत अच्छे आदमी हो। तुम्हें क्या पता चला? चलो जल्दी सब इंतजार कर, चलो चलो लेट्स गो। जल्दी आओ। लो राघव भी आ गया। नैना कब से तुम्हारी राह देख रही थी। सॉरी वो मैं। क्या हुआ राघव, तुम्हारे मुंह पे पारा क्यों बचे? मैं तुम्हें भी यही कहने वाला था, फिर रियलाइज हुआ कि तुम्हारा तो चेहरा ही ऐसा है, बेचारा सा। मैं तुम्हें कंसर्न दिखा रही हूँ और तुम मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो। देखो हम हवन के लिए आए हैं, पीस लव। एक तो अच्छी बातें बोल सकते हो ना, हमेशा कड़वा बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अकल मत सिखाओ। तुम्हें ना मैं इस हवन में फेंक दूंगी। हो जाओ तुम दोनों, ये कोई जगह नहीं है नोक झोंक करने की। और अनास क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ये हवन तुम दोनों के लिए आशीर्वाद है और बच्चे के लिए भी। अब यहाँ भी झगड़ा करोगे तो बच्चा क्या सोचेगा, मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं। दादी मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। कहाँ कहती है कुछ, सिर्फ सुनाती है, ताने कसती है बस। देखो अब तुम लोगों की मैं पिटाई करने वाली हूँ, बस इसका इलाज भी मेरे पास है। ये देख। वैसे तो हवन के बाद देने वाली थी तुम दोनों को, लेकिन लगता है इनकी जरूरत अभी है तुम दोनों को। बाल गोपाल जी हमारी विनती सुनो, ये हमारा छोटू जो है ये तो पहले ही आपका रूप है, उसकी रक्षा करिएगा, उस पर पूरी अपनी कृपा दृष्टि रखिएगा। और हमारे छोटू की ये दोनों निकम्मे माँ बाप है ना, ये भी आपकी जिम्मेवारी है, तो इस पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये दोनों झगड़ा ना करें ऐसा देख लेना, और इन दोनों पे कोई संकट ना आए ये भी देख लेना। जी मेरे छोटू की रक्षा करना। पंडित जी हवन का मुहूर्त हो गया है, शुरू कीजिए। ये लीजिए, ये कलश आप अपने पत्नी के हाथ में दी, वो घर की लक्ष्मी की समान होती है और वो घर में आपके सुख समृद्धि लाती है। के मन में प्रार्थना करिए और आभार प्रकट कीजिए कि आपको इतना अच्छा जीवन साथी मिला। अब आप आपके पति के दाएं हाथ में अपना हाथ रखिए। पति पत्नी शिव पार्वती का प्रतीक है, हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देंगे, आपके पति हमेशा आपको सुरक्षित रखेंगे। अग्नि दे दो बेटा, बेटा, बेटा। जी
क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? I'm fine. राघव, नैना बिल्कुल ठीक है। तुम हवन को अग्नि दो। राघव, मुझे दे दो, मैं जला कर देती हूं। नैना, तुम ठीक हो? मैंने कहा था तुमसे, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है रस्म करने की, लेकिन तुम मेरी बात मानोगी ही नहीं ना। राघव, मैं ठीक हूँ, मुझे अचानक से लगा कि... क्या लगा तुम्हें? तुम्हें कुछ भी लगता रहता है। मुझे पता था तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं हो? अपना ख्याल तो रखती नहीं हो। अगर छोटू को कुछ हो गया तो? छोटू को कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी पंडित जी, हवन शुरू कीजिए। देखा दादी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी इसे रसम पूरी करनी है। बस हो गया, हो गई रसम। अब नैना को आराम की जरूरत है, ये सब बाद में हो जाएगा। चलो ये निकालो। रुको, तो मर्दों को हमारी रस्मों से क्या प्रॉब्लम है? नैना ये बात अच्छी तरह से समझती है कि पूजा हवन का क्या मतलब होता है। उसकी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है, प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है बेटा। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप पूजा छोड़कर निकल जाओगे। जिंदगी भर ये बात उसके दिल में घर कर जाएगी कि पूजा अधूरी रह गई। देखो बेटा, ये पूजा मैं नैना और उसके बच्चे के लिए करवा रही हूँ। तुम मर्द ये बात क्यों नहीं समझते हो? एक माँ के दिल की तरफ से सोचो, एक माँ ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे की पूजा अधूरा रहे, उसमें कोई अपशकुन हो। नहीं, मैं ये हवन करूंगी। राघव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इससे बिना बात के गुस्सा मत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पंडित जी, आप हवन शुरू कीजिए। अपशकुन वगैरह कुछ नहीं होता नैना। होता है राघव, तो राघव, जब नैना कह रही है वो ठीक है तो वो ठीक है ना, उसकी बात मान लो। हरजीत जी इतना मान दे रही है इसलिए तुम दोनों के लिए सब कर रही है, मेरे और पल्लू को तो पूछ भी नहीं रही है। और कुछ नहीं तो कम से कम ईरा का ख्याल रखो और ये हवन छोड़ के मत जाओ प्लीज। जब नैना कह रही है कि उसकी तबीयत ठीक है तो जो शुरू हुआ है उसे खत्म करने में ही समझदारी है। पर लकड़ियां तो गीली हो गई है, हवन कैसे शुरू करें? कोई बात नहीं पंडित जी, लकड़ियां तो और भी मिल जाएंगी, जहाँ चाहे वहाँ मिल ही जाती है। चलो सुधर। इतना काफी होगा? हाँ, इतना काफी है सुधा। आज कोई भी राहु मेरे ग्रह पर भारी नहीं पड़ेगा। नैना को वो चुनरी उड़ाई जाएगी और उसके साथ साथ उस आंख में वो झुलस जाएगी और उसके बाद उसके पेट में जो बच्चा है वो उसके साथ साथ स्वाहा हो जाएगा।
कर रहा था, किसको मार देंगे और किसका बच्चा मरने वाला है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।